नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है विजया एकादशी, आज गुरुवार का दिन है। एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ। आज के दिन यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं पूरे मन से, आप देखेंगे हमेशा लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। भगवान विष्णु आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। दोस्तों, ये जो आपकी बॉडी है, इस पूरी बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तमाम जो भोजन आपने आपकी माता के गर्भ में जो आपकी जैसे सिंचाई हुई है, हम खेतों की जो सिंचाई करते हैं ऐसे बॉडी की जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो आपका फिगर पूरा बना, वो तमाम आपकी नाभि से वो तत्व, वो अन्न, वो जल आपकी बॉडी में गया, जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी। नाभि आपकी बॉडी का वो सेंटर पॉइंट है जहाँ पर आप जिस चीज को अप्लाई कर देते हैं उस चीज की इफेक्ट आपके पूरी बॉडी पर होती है। आप देख रहे थे आपका चेहरा रूखा रूखा सा है, कई लोगों के चेहरे बहुत रूखे होते हैं, तो आप नाभि पर सोते समय सरसों के तेल की दो बूंद गिरा दें। आप देखेंगे दोस्तों, आपके बॉडी में चमक आने लग जाएगी, चेहरा आपका चमकने लग जाएगा। नाभि पर गिरा रहे हैं तेल, लेकिन चेहरे पर आपके चमक आ जाएगी। यदि आप धन को लेकर के परेशान हैं, तो आप सोते समय शुक्रवार के दिन नाभि पर इत्र छिड़के, आप देखेंगे आपका पूरा व्यक्तित्व लक्ष्मी प्रदान हो जाएगा। नाभि वो चीज है, जिस चीज को जिस उद्देश्य से आप नाभि पर लगाते हैं उसका तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है। आपको क्या करना है, एकादशी वाले दिन आप इस एकादशी को भी कर सकते हैं, आप किसी भी एकादशी को कर सकते हैं। अभी सोमवती अमावस्या आ रही है, आप उस दिन भी इस उपाय को करें, महाशिवरात्रि वाले दिन भी आप इस उपाय को करें। जब भी अच्छा दिन आता है, आप नहाने के बाद एक छोटा सा काम करें, स्नान के तुरंत बाद आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, गुलाब की पत्तियों को थोड़ा सा क्रश कर लें, पीस लें, या यदि आपके घर में गुलाब जल है तो उसको ले लें, और थोड़ी सी हल्दी उसमें आप गीली कर लें, मिक्स कर दें, और कंटिन्यू ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये मंत्र आपको बोलना है जब आप दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। उसके बाद ये जो अनामिका उंगली है उससे आपको उस पेस्ट को ले लेना है। पेस्ट को देखते हुए आपको 11 बार, एकादशी वाले दिन कर रहे हैं तो 11 बार करें, पूनम वाले दिन यदि करते हैं इस उपाय को तो 21 बार बोलें इसी मंत्र को, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, और इसको आप अपनी नाभि पर लगा लें। दोस्तों, ये चीज आपके पूरे व्यक्तित्व को शुक्र प्रधान बनाती है, आपके ऊपर सदैव लक्ष्मी नारायण की कृपा को बरसाती है। आज के दिन स्नान के पानी में यदि आप हल्दी डाल देते हैं, गुलाब जल डालते हैं, या गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके स्नान करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण की आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहेगी। जिन्हें पितृदोष है वे लोग स्नान के पानी में थोड़े से काले तिल डालें और उससे स्नान करें, आप देखेंगे इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा, जबरदस्त शांति मिलेगी और घर में धन बहाने मार मार कर आएगा। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।